सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन का द्वितीय अध्याय पढ़ रहे हैं, द्वितीय अध्याय का प्रथम आह्निक और शब्द प्रमाण की परीक्षा चल रही है। तो पूर्व पक्षी ने इसके लिए तीन आक्षेप लगाए थे कि शब्द जो है अनुमान से भिन्न नहीं है, क्योंकि जैसे वो भी लिंग को देख कर लिंगी का ज्ञान होता है, ऐसे ही यहाँ शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है, और इनकी जो उपलब्धि की जो प्रवृत्ति है वो भी एक ही प्रकार की है, एक को देख करके दूसरे का ज्ञान होना। और तीसरा कहा था संबंधाच्य, जैसे वहाँ पर लिंग लिंगी का संबंध होता है नित्य ही, ऐसे यहाँ शब्द और अर्थ का भी संबंध होता है। तो यहाँ इन्होंने उसका उत्तर दे दिया कि ये शब्द और अर्थ का जो संबंध होता है वो केवल उन्हीं के बारे में है जहाँ वो शब्द आप्तोपदेश हों, आप्तों के द्वारा कहे हुए शब्द हैं, उन्हीं का अर्थ के साथ नित्य संबंध होता है, सभी शब्दों का नहीं होता है। तो ये अगर शब्द और अर्थ का संबंध नित्य हो तो इन्होंने दोष दिखाया था कि जहां शब्द है वहां अर्थ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जहाँ लिंग है वहाँ पर लिंगी होता है, धुआं हमेशा अग्नि के साथ जुड़ा ही रहता है। तो ऐसा ही संबंध यदि यहाँ होता तो हमेशा शब्द और अर्थ जुड़े हुए होने चाहिए थे। तो जैसे ही शब्द बोला उसी स्थान पे उसका अर्थ भी होना चाहिए था, उसी के साथ जुड़ा हुआ, या फिर जो अर्थ है उसके साथ शब्द भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा प्रत्यक्ष देखा नहीं जाता है। तो क्यों नहीं देखा जाता है? बोले जैसे ही हम पूर्ण शब्द बोलते हैं तो मुख पूर्ण नहीं होता है किसी चीज से, या हम अग्नि शब्द बोलते हैं अन्न कहने से पूर्ण नहीं होता है, और जब हम कहते हैं कि अग्नि तो प्रदाह नहीं होता है, और जब हम कहते हैं असी तो मुंह फटता नहीं है। इनकी अनुपलब्धि होने से संबंधाभाव, इससे हमें पता लगा कि शब्द और अर्थ के संबंध का अभाव है, उस तरह से नहीं है जैसे अग्नि और धूम का संबंध है। तो इसका भाष्य पढ़ते हैं। स्थान करण अभावात इति चार्थः, और सूत्र में जो चकार कहा ना, पूर्ण पूर्ण प्रदाह पाटन अनुपलब्धे च, तो कह रहे हैं यहां पर जो चकार है ये स्थान करण अभावात इति, चकार का अर्थ है स्थान और करण का अभाव होने से, माने जिस स्थान से और जिस करण से शब्द की उपलब्धि होती है उस स्थान में और उस करण से अर्थ की उपलब्धि नहीं होती है, वहाँ अभाव है। नेचे अयम अनुमान तो अपि उपलभ्यते शब्दांति के अर्थ इति, कह रहे हैं ये अनुमान प्रमाण से ये उपलब्ध नहीं होता है कि शब्दांति के अर्थ इति, शब्द के पास उसका अर्थ भी रहता हो, जैसे कि धूम के साथ अग्नि रहती है ऐसे शब्द के साथ अर्थ रहता हो, ये प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता है। अनुमान का मतलब है यहाँ पर प्रमाण, अनुमान की तरह से। एतस्मिन् पक्षे अपि आस्य स्थान करणयो उच्चारणीय शब्दः तदन्ति के अर्थ इति, यानी इस पक्ष में, किस पक्ष में, जब ये शब्द को अनुमान ही मानते हैं और लिंग लिंगी का जैसे संबंध है ऐसे ही शब्द अर्थ का भी संबंध होना चाहिए, इस पक्ष में। एतस्मिन् पक्षे अपि आस्य स्थान करण उच्चारणीय, शब्द क्या है, शब्दः आस्य स्थान करण उच्चारणीय, इसका स्थान तो मुख में है
और मुख के जो भिन्न भिन्न स्थान हैं उनसे इसका उच्चारण होता है। आस्य स्थान उच्चारणीय शब्द तदंति के अर्थ इति, और उसके ही साथ साथ यदि उसका अर्थ भी रहता है तो अन्नाग्न्यसी शब्दोच्चारणे पूर्ण प्रदाह पाटनानी गृहेरन न च गृह्यन्ते। तो कह रहे हैं अन्न शब्द कहने से मुंह पूर्ण हो जाना चाहिए, भर जाना चाहिए, और अग्नि कहने से प्रदाह होना चाहिए, और असी शब्द उच्चारणे पाटनानी फट जाना चाहिए मुंह, तलवार तो मुंह में समाएगी भी नहीं, इतनी बड़ी होती है, आर पार निकल जाएगी। तो ये सब चीजें गृहेरन, ये गृहित होनी चाहिए, नचे गृहन्ते, लेकिन गृहित होती तो नहीं है। अग्रहणात् नानुमेय प्राप्ति लक्षण संबंध, तो अग्रहण होने से ये पता लग रहा है कि वाच्यवाचक भाव संबंध है वो तो अनुमेय है, प्रामाणिक है, लेकिन प्राप्ति लक्षण संबंध शब्द का अनुमेय नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, जो भाव संबंध है वो प्रामाणिक नहीं है। अर्थांति के शब्द इति, और यदि हम ये कहें कि चलो शब्द के पास तो अर्थ नहीं रहता है, क्योंकि शब्द तो मुख से उच्चरित होता है और मुख तो इतना छोटा सा है कि उसमें सारे अर्थ कैसे रह सकते हैं, तो हम यदि दूसरा मान लें पक्ष, अर्थांति के शब्द इति, अर्थ के पास शब्द रहता है, जितने भी अर्थ हैं बाहर संसार में पदार्थ हैं उन सब के साथ शब्द जुड़ जाए तो क्या होगा, अर्थांति के शब्द इति स्थान करण असंभवात अनुच्चारणम, वहां शब्द हो तो भी वहां स्थान और करण नहीं है ना, क्योंकि स्थान तो शब्द का मुख है और मुख के जो प्रयत्न है इसके उच्चारण के लिए जो करण है जिह्वा तालु इत्यादि, तो उनका अभाव होने से अनुच्चारणम उसका वहां उच्चारण भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्थान क्या है, स्थानम कंठादयः, कंठादि तो इसके स्थान है, और करणम प्रयत्न विशेषः, और इनके साधन क्या है, शब्द के प्रयत्न विशेष। तस्य अर्थांति के अनुपपत्ति रीति, इसलिए अर्थ के पास शब्द रहता हो इसकी भी अनुपपत्ति है, ये भी उत्पन्न नहीं हो पाएगा। उभय प्रतिषेधाच्च न उभयम्, और दोनों का ही प्रतिषेध होने से दोनों ही जगह दोनों नहीं होते हैं, शब्द के पास अर्थ नहीं होता है, अर्थ के साथ शब्द नहीं होता है। तस्माद् न शब्देन अर्थ प्राप्त इति, इसलिए शब्द और अर्थ का संयोग नहीं है, प्राप्त मतलब संयोग। शब्दार्थ व्यवस्थानात् अप्रतिषेधः, पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि शब्द और अर्थ का संयोग नहीं है, संबंध नहीं है, ऐसा मानेंगे तो पूरी ही अनवस्था हो जाएगी, क्योंकि लोक में व्यवहार सारे किससे होते हैं, शब्द बोलते हैं और अर्थ का ज्ञान हो जाता है, तो यदि इनका आपस में संबंध नहीं मानेंगे तो शब्दार्थ व्यवस्थानात्, शब्द और अर्थ से ही तो सारी व्यवस्था चल रही है, तो शब्द और अर्थ की व्यवस्था होने से अप्रतिषेध, उनके संबंध का प्रतिषेध नहीं हो सकता, माने संबंध रह होता ही है उनका, ये पूर्व पक्षी का कहना है। शब्दार्थ प्रत्ययस्य व्यवस्था दर्शनात् अनुमीयते अस्ति शब्दार्थयो व्यवस्था करणम्, शब्द और उसका अर्थ इसके ज्ञान से व्यवस्था दर्शनात् सारे लोक की व्यवस्था देखे जाने से अनुमीयते ये प्रमाणित होता है अस्ति शब्दार्थ संबंधो व्यवस्था करणम्, शब्द और अर्थ की के संबंध की व्यवस्था है। असंबंधे ही यदि इनका संबंध ना हो शब्द और अर्थ का तो शब्द मात्रात अर्थ मात्रे प्रत्यय प्रसंगः, तो फिर असंबंधे जब इनका संबंध ही नहीं है तो शब्द मात्रात अर्थ मात्रे प्रत्यय प्रसंग तस्मात अप्रतिषेध संबंधस्य इति, शब्द मात्र से अर्थ मात्रे प्रत्यय प्रसंग, अर्थ मात्र का प्रत्यय प्रसंग फिर नहीं होना चाहिए, माने इस शब्द का ये अर्थ होगा ऐसा फिर कोई निश्चितता तो है नहीं, जब संबंध नहीं है तो किसी भी शब्द से कोई भी अर्थ समझ में आ जाएगा फिर तो शब्द मात्रात अर्थ मात्रे, शब्द मात्र से अर्थ मात्र की प्रतीति होने लगेगी, किसी भी शब्द से
किसी भी अर्थ की प्रतीति होने लगेगी। शब्द मात्रात अर्थ मात्रे प्रत्यय प्रसंग, शब्द मात्र से अर्थ मात्र का ज्ञान होने का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, फिर व्यवस्था नहीं रहेगी। किसी भी शब्द से किसी भी अर्थ मात्र का प्रत्यय प्रसंग होने लगेगा। तस्मात अप्रतिषेध संबंधस्य, इसलिए शब्द और अर्थ के संबंध का अप्रतिषेध प्रतिषेध नहीं हो सकता है, माने शब्द और अर्थ का संबंध तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अत्र समाधि, तो प्रश्न तो इसका भी ठीक है, तो अब इसका समाधान कर रहे हैं सिद्धांती। न सामयिकत्वात् शब्दार्थ संप्रत्ययस्य, करें न, ये कोई दोष नहीं आएगा। शब्द और अर्थ का के संबंध का प्रतिषेध करने से ये कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि सामयिकत्वात् शब्दार्थ संप्रत्ययस्य, शब्दार्थ संप्रत्ययस्य, शब्द और अर्थ के जो ज्ञान है उस ज्ञान का सामयिकत्वात् सांकेतिक होने से, क्योंकि शब्द और इस शब्द का ये अर्थ, ये जो ज्ञान हमें होता है, ये जो व्यवस्था है, ये संबंधकारित नहीं है कि भाई शब्द और अर्थ का संबंध होता है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि सामयिकत्वात् सांकेतिक है वो व्यवस्था। संकेत से हमें बता दिया कि इस शब्द का ये अर्थ होगा, ये हमें बचपन में बता दिया, हमारे बुजुर्गों ने बता दिया कि भाई ये जो प्राणी खड़ा है इसका नाम गाय है, और बच्चे ने समझ लिया बस उस संकेत से। अब वो जिंदगी भर उस प्राणी को देखेगा कहीं भी किसी भी देश में तो पहचान लेगा कि ये गाय है। तो ये इस शब्द के साथ उस अर्थ का संबंध नहीं जुड़ा हुआ था, जैसे गो शब्द बोल दिया और गाय कभी दिखाई नहीं बच्चे को, तो फिर उसको कभी भी अर्थ का प्रत्यय नहीं होगा। तो ये जो अर्थ का प्रत्यय हो रहा है ना, शब्दार्थ संप्रत्यय, ये किससे होता है? सांकेतिक सामयिकत्वात्। नैच संबंधकारितम शब्दार्थ व्यवस्थानम, ये जो शब्द और अर्थ की व्यवस्था है जो लोक में दिखाई दे रही है, ये न संबंधकारितम, ये शब्द और अर्थ के संबंध से कारित नहीं है। किम तर्री, तो किससे कारित है? समय कारितम यत तद अवोचाम, ये तो समय कारित है, समय कारित माने सांकेतिक है ये, और यत तद अवोचाम, तो ये हम कह ही चुके हैं, क्या कह चुके हैं? अस्य इदम् इति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य अर्थ विशेषो अनुज्ञातः, तो पहले भी कहा था ना, षष्ठी विशिष्ट से जो शब्द और अर्थ की व्यवस्था कही जाती है, वाक्यस्य अर्थ विशेष, किसी शब्द या किसी वाक्य का जो अर्थ विशेष है वो तो अनुज्ञात है, वो संबंध तो स्वीकार्य माना गया है, और वो क्या है? आप्तोपदेश है वो, तो उसको तो हम स्वीकार करते हैं शब्द और अर्थ के संबंध को। लेकिन शब्दार्थयो संबंध इति समयम तम अवोचाम इति, लेकिन शब्द मात्र का जो अर्थ के साथ संबंध है, शब्दार्थयो संबंध इति, शब्द मात्र का जो अर्थ के साथ संबंध है इति समयम, वो संकेत मूलक है, तम अवोचाम इति, और वो हम कह ही चुके हैं। कह पुनः अयम समयः, क्या है ये समय? तो कहा समय यह है, अस्य शब्दस्य इदम् अर्थजातम् अभिधेयम् इति अभिधान अभिधेय नियम नियोगः, हमारे बड़ों ने बता दिया कि अस्य शब्दस्य इदम् अर्थजातम्, इस शब्द का ये अर्थ है। बच्चा बोलता है गो, तो उसको बता दिया जाता है कि ये गो है। बच्चा बोलता है माँ, तो उसको बता दिया जाता है ये माँ है। तो बस अभिधान अभिधेय से ये नियम नियोग चल रहा है, ये अभिधान है इसका और ये इसका अभिधेय है। तो कहा अस्य शब्दस्य इदम् अर्थजातम् अभिधेयम्, ये इसका अभिधेय है, तो ये अभिधान अभिधेय नियम नियोग। तस्मिन् अनुपयुक्ते शब्दार्थ संप्रत्ययो भवति, और कह रहे हैं उस संकेत के कहे जाने पर ही, तस्मिन् उपयुक्ते उसका उपयोग होने पर ही
शब्दार्थ संप्रत्ययो भवति, शब्द और अर्थ के ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस शब्द का ये ज्ञान है, ये हमें प्रतीति तभी होती है जब कोई बता देता है। विपर्यय ही शब्द श्रवणे अपि प्रत्ययाभाव, अगर कोई ना बताए तो शब्द का श्रवण होते हुए भी आपको उसके अर्थ का पता नहीं चलेगा। जैसे आप दक्षिण में चले जाएं जहाँ कन्नड़ बोलते हैं या मलयालम बोलते हैं, तो शब्द तो आपको सुन रहा है, तो शब्द के साथ ही यदि अर्थ जुड़ा होता तो आपको सारे अर्थ समझ में आ जाते। लेकिन क्योंकि बचपन में आपने किसी ने आपको ये नहीं बताया कि मलयालम के इस शब्द का ये अर्थ है, तो बेशक वो अर्थ आपके बिल्कुल सामने भी रखा क्यों ना हो, समझ में नहीं आएगा। तो इससे पता लग रहा है कि शब्दार्थ की व्यवस्था जो लोक में है वो कैसे है, सामयिक है, वो संबंधकारित नहीं है। विपर्यय ही शब्द श्रवणे भी प्रत्ययाभाव, अगर ये समय ना हो तो शब्द श्रवण होते हुए भी ज्ञान का अभाव होता है। संबंधवादिनापि च अयम अवर्जनीय, और जो ये शब्द और अर्थ का संबंध मानते हैं उस संबंधवादियों के द्वारा भी अयम अवर्जनीय, वो भी इसको निषेध नहीं कर सकते हैं, इसका वर्जन नहीं कर सकते हैं। वो भी कहीं दूसरे देश में जाएंगे या दूसरे प्रांत में जाएंगे तो वो भी नहीं समझ पाएंगे। तो कहा प्रयुज्यमान ग्रहणाच्य समयोपयोगो लौकिकानाम, प्रयुज्यमान ग्रहणाच्य, प्रयुज्यमान का ही ग्रहण होने से समयोपयोग, समय का उपयोग है लौकिकानाम, लौकिक लोगों के लिए। माने किसके लिए क्या प्रयुज्यमान है वो पहले से चला रहा है ना, कि भाई इसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है, तो प्रयुज्यमान ग्रहणाच्य, बस उस प्रयुज्यमान का ग्रहण होने से समयोपयोगो, ये संकेत का उपयोग है लौकिकों के लिए। समय पालनार्थम च इदम पद लक्षणाया वाचो अनवाख्यानम व्याकरणम, और कह रहे हैं इस समय के पालन के लिए ही, समय मतलब सांकेतिक जो परंपरा है इसके पालन के लिए ही पद लक्षणाया, पद लक्षण है जिसका, ऐसे वाच अनवाख्यानम, वाणी मतलब शब्द मात्र का अनव्याख्यान किया है व्याकरण के रूप में। क्योंकि महर्षि पाणिनि जी भी पहले घूमे पूरे देश में और किस अर्थ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है इसको जाना उन्होंने, और फिर उन्होंने व्याकरण की रचना की। तो कह रहे हैं इसी के लिए समय पालनार्थम, इसी सांकेतिक व्यवस्था के रक्षा के लिए, पालन के लिए पद लक्षण वाले शब्द शास्त्र व्याकरण की रचना हुई वाचो अनवाख्यानम महर्षि पाणिनि के द्वारा, और वाक्य लक्षणाया वाचो अर्थो लक्षणम, और उसी के लिए वाक्य लक्षण वाला जो ग्रंथ है अर्थात पूर्व मीमांसा, उसकी रक्षा रचना हुई वाचो अर्थो लक्षणम। पद समूहो वाक्यम अर्थ परिसमाप्तौ इति, और जो पदों का समूह है उसकी वाक्य में समाप्ति होती है और उस वाक्य की अर्थ परिसमाप्त हुई थी, अर्थ में समाप्ति हो जाती है। जब हम पूरा एक वाक्य बोल देते हैं तो वो किसी अर्थ को समुपस्थित कर देता है हमारे सामने। तो ये सब क्या है, सामयिक है, ये सांकेतिक है। तद एवं प्राप्ति लक्षणस्य शब्दार्थ संबंधस्य संबंधस्य अर्थ तुषोपि अनुमान हेतु न भवती थी। तो इस प्रकार से प्राप्ति लक्षणस्य षष्ठी निर्दिष्ट जो हैं उनका तो हम मानते हैं संबंध नित्य, जो आप्तवचन है, लेकिन जो प्राप्ति लक्षण शब्दार्थ संबंध है, जो भाव संबंध है, उसमें तो, उसके अर्थ में तो तुषोपि माने एक अंश का भी अनुमान हेतु न भवती, अनुमान प्रमाण उसका हेतु नहीं होता है। जैसे अनुमान प्रमाण में लिंग लिंगी का संबंध होता है, ऐसे ये प्राप्ति लक्षण संबंध में तो शब्द और अर्थ का एक अंश भी ऐसे जुड़ा हुआ नहीं होता है, बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो ये तो सारा किससे चलता है, सांकेतिक ही चलता है, और ये अलग अलग समाज में अलग अलग होते हैं, ये भी सांकेतिक भी।
अब आप पंजाब में जाएंगे तो काका शब्द का अर्थ क्या है? नहीं, छोटा बच्चा, काका मतलब छोटा बच्चा। और आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो काका मतलब पिता का छोटा भाई। महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, तो वहाँ काका का अर्थ दूसरा हो गया। तो वो हमारे एक स्वामी जी के साथ रहा करता पहले, क्या नाम था उसका, मोटा सा था, भरत या बोल जी, मुसीबत होगी। पंजाब में जाते हैं वहाँ काका बोले तो छोटा सा बच्चा आता है, महाराष्ट्र में शिविर में जाएं काका बोले तो बड़ा सा आता है। तो पता नहीं, हमें तो बावला सा ही था बेचारा। जैसे उत्तर भारत में ताई बोले तो ताई, माँ पिता के बड़े भाई की पत्नी, उसको ताई बोलते हैं उत्तर भारत में। और महाराष्ट्र में जाएंगे तो बड़ी दीदी को बोलते हैं ताई। और कर्नाटक में जाएंगे तो माँ को बोलते हैं, कन्नड़ में ताई मतलब माँ। अर्थ लगभग लगभग एक जैसा ही है। तायरी संतान पालन यो, ताई वो है जो संतानों की पालना करती है। तो माँ भी करती है, और ज्वाइंट फैमिली थे तो बड़ी माँ भी पालना करती है, और सिंगल परिवार है तो दीदी भी पालना करती है छोटे भाई बहनों की। तो लगभग लगभग ठीक है अर्थ, लेकिन अलग अलग समाज में जाके अलग अलग अर्थ होते हैं। तो वो किससे पता लगेगा? संकेत से ही पता लगेगा। वो शब्द और अर्थ का नित्य संबंध नहीं है, सुनिश्चित संबंध नहीं है, जैसे अग्नि और धूम का है। और अगला समाधान दिया, जाति विशेषे चानियमात। और कह रहे हैं यदि ये नहीं मानेंगे ना तो जाति विशेष में भी अनियम होने लगेगा। जाति विशेष में अनियम कैसे होगा? सामयिक शब्दार्थ संप्रत्ययो न स्वाभाविक। कह रहे शब्द और अर्थ का जो संप्रत्यय है, जो ज्ञान है, वो न सामयिक स्वाभाविक है। यदि आप कहो कि वो सामयिक नहीं है, स्वाभाविक है, तो फिर क्या होगा? ऋषि आर्य मलेच्छा नाम यथा कामम शब्द विनियोगो अर्थ प्रत्यायनाय प्रवर्तते। तो कह रहे हैं कि ये जो अलग अलग लोग हैं ना, ऋषि, आर्य, मलेच्छ, इन ये अलग अलग अर्थ के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। यथा कामम, जैसे जैसा उस समाज में वो चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, शब्द विनियोग अर्थ प्रत्यायनाय, शब्दों का विनियोग कर लेते हैं अर्थ को जानने के लिए। तो आर्य लोग उस शब्द को जानने के लिए किसी शिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, मलेच्छ हैं वो किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये तो मतलब आपको थोड़ी थोड़ी देर में ही भाषा का वो मिल जाएगा उसी अर्थ के लिए। जैसे शहर और गांव की भाषा में ही अंतर मिल जाएगा आपको, एक ही भाषा में, हिंदी में ही आपको बहुत सारे वैरायटीज मिल जाएंगी, कन्नड़ में भी मिलेंगी, मराठी में भी मिलेंगी। तो इसलिए कहा आर्यों के जो शब्दों का चयन होता है वो अलग होता है, म्लेच्छों का अलग होता है। यथा कामम शब्द विनियोगो अर्थ प्रत्यायनाय प्रवर्तते, स्वाभाविके ही शब्दार्थस्य प्रत्यायकत्वे यथा कामम न स्यात्। यदि ये संबंध स्वाभाविक होता, जैसे अग्नि और धूम का संबंध स्वाभाविक है तो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है, ऐसा ही संबंध यदि शब्द और अर्थ का होता, स्वाभाविके ही शब्दस्य अर्थ प्रत्यायकत्वे यथा कामम न स्यात्, फिर उसमें वो यथा काम वाली बात नहीं आएगी कि जो जैसा चाहे जो समाज वो उसके लिए उन उन शब्दों का प्रयोग कर ले, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको दो तीन शब्दों का, तो ये फिर स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। यथा जैसे तैजसस्य प्रकाशस्य रूप प्रत्यय हेतुत्वम न जाति विशेषे व्यभिचरति इति। जैसे तैजस शब्द है, तैजस का मतलब, तैजसस्य माने प्रकाशस्य, प्रकाश का, तो प्रकाश का अर्थ क्या है, रूप प्रत्यय हेतुत्वम, रूप को दिखाने में प्रकाश का जो हेतुत्व है, ये क्या है, ये नित्य संबंध है। रूप जब भी दिखेगा प्रकाश उसमें हेतु बनेगा, तो इसका कोई भी आर्य म्लेच्छ ये इसका खंडन नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई भी इनके पास ऑप्शन नहीं है।
तैजसस्य प्रकाशस्य रूप प्रत्यय हेतुत्वं न जाति विशेष व्यभिचरति, किसी जाति विशेष में इसका व्यभिचार नहीं होगा। आर्यों के लिए भी रूप की अभिव्यक्ति तेज से ही होगी, प्रकाश से ही होगी, म्लेच्छों के लिए भी प्रकाश से ही होगी, क्योंकि वो नित्य संबंध है। रूप की अभिव्यक्ति का हेतु हमेशा प्रकाश ही होगा, चाहे वो प्रकाश दिए का हो, चाहे वो सूर्य का हो, चाहे वो टॉर्च का हो, कोई भी क्यों ना हो। तो इस तरह से यदि शब्द और अर्थ का नित्य संबंध होता तो फिर ये सामयिक संकेत के लिए और यथा काम के लिए कोई अवसर नहीं होता फिर। लेकिन देखते तो हैं हम सब समाजों में अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग अर्थ हैं, या अलग अलग अर्थों के लिए अलग अलग शब्द उन्होंने चुने हुए हैं। तो इससे पता लगता है कि केवल आप्तोपदेश को छोड़ करके बाकी के जो शब्द हैं उनका अर्थ के साथ नित्य संबंध नहीं है। तो ये नहीं है तो इसका मतलब ये शब्द अनुमान प्रमाण भी नहीं है, अलग है ये, क्योंकि अनुमान में तो नित्य संबंध होता है, तो यहां तो ऐसा नहीं है। इति अष्टभिः सूत्रैः शब्द सामान्य परीक्षा प्रकरणम्, सामान्य प्रमाण परीक्षा प्रकरणम्, ये तो शब्द की सामान्य परीक्षा हो गई। अब जो विशेष शब्द, विशेष मतलब आप्तोपदेश, दो तरह के शब्द हो गए ना, एक तो सामान्य शब्द, लोक के शब्द, तो इनका संबंध तो सामयिक है। दूसरे जो हैं अब उनकी परीक्षा कर रहे हैं कि ये भी ठीक से हैं कि नहीं है, इनका भी नित्य संबंध है कि नहीं अर्थ के साथ, जो वैदिक शब्द हैं उनका। तो कह रहे हैं उसके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं जो विशेष शब्द हैं, कह रहे हैं वो शब्द भी ठीक नहीं है। पुत्र कामेष्टि हवन अभ्यासीषु, जैसे पुत्र कामेष्टि करते हैं या हवन करते हैं या अभ्यास करते हैं एक शब्द का बार बार, उनमें तद अप्रामाण्यम अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्यः, कह रहे वो जो शब्द हैं उनमें अप्रामाण्यम, जो वैदिक शब्द भी हैं जो शास्त्रीय शब्द हैं उनका भी अप्रामाण्य है, प्रामाणिकता नहीं है उसमें। क्यों? अनृत, पुत्र कामेष्टि में तो अनृत पाया जाता है, ये कहा जाता है कि जिसको पुत्र की कामना है वो पुत्रेष्टि करे, यज्ञ करे, और दिख लग मतलब परिणाम तो ये देखने को आता है कि किसी को पुत्र हो जाता है किसी को नहीं होता है। तो इसका मतलब वो वाक्य क्या है? अनृत। और दूसरा हवन, हवन में जो शास्त्र का वचन है ब्राह्मण ग्रंथों का, तो उसमें कहते हैं कि सुबह जो हवन करता है उसकी आहुति को वो देवता ले जाता है, जो सूर्योदय के बाद करता है उसकी आहुति खंडित हो जाती है, ऐसे ऐसे कहा है। तो बोलिए क्या है? व्याघात हो रहा है, परस्पर विरोध हो रहा है उन वाक्यों में, अभी भाष्य में समझ पाएंगे आप। और तीसरा है अभ्यासेषु, जब किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है? बार बार उस शब्द का उच्चारण करते हैं ना, जैसे आप अष्टाध्याय याद करते हैं तो एक ही शब्द को वृद्धि राधेच वृद्धि राधेच वृद्धि राधेच, इसको हम अभ्यास कहते हैं। तो ये क्या हो गया? पुनरुक्ति हो गया ये, तो पुनरुक्ति तो दोष माना जाता है।